एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होगा इस पे एंड ये है माय ग्लैम का चिजल इट पैलेट। इसमें आपको थ्री चीज़ें मिलती है, फर्स्ट इज हाइलाइटर, देन इज ब्लश एंड उसके बाद है ब्रॉन्जर। इसमें आते हैं टू शेड्स। मेरे पास जो शेड है दिस इज शो स्टॉपर, जो दूसरा वाला शेड है दैट इज फॉर फेयर स्किन, बट उसमें जो ब्लश था वो पिंक कलर का था एंड आई डोंट रियली लाइक पिंक ब्लशेज, तो इसलिए मैंने ये वाला शेड लिया। इसमें जो ब्लश है दिस इज अ लिटिल लाइक पीची टोन। तो इसका प्राइस है ₹1,250 एंड ये मैंने नायका से परचेज किया था शायद, और मुझे कोई डिस्काउंट इस पर मिला नहीं था। एंड माई ग्लैम के जो प्रोडक्ट्स है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। अगर आप ऐसे कोई लाइक पैलेट लेते हो जिसमें ब्रश, ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर हो, वो अराउंड 700-800-900 रुपीज में मिल जाता है। जैसे कि फेसेस का है, देन देर इज मेकअप रेवोल्यूशन का भी आता है, ये सारे इस रेंज में मिल जाते हैं। बट देन माई ग्लैम के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग ऑल्सो। बट ये वाला जो मैंने एक वीडियो में स्वॉच देखा था तो मुझे इसका ब्लश का जो शेड है वो अच्छा लगा, एज वेल एज आई वोंट लाई मुझे पैकेजिंग भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आई शुड बाय दिस। तो मैंने ये वाला ख़रीद लिया इन द शेड शो स्टॉपर। सो यहाँ पे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 12 ग्राम्स का प्रोडक्ट है, 2017 में बना था एंड 2020 तक मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। सो लिटरली मेरे पास 1 ईयर है इसे यूज़ करने के लिए। आई नो कि 1 ईयर में ये ख़त्म नहीं होगा, तो अगर आप जब भी परचेज करो तो आप देख लेना कि यू नो इसका जो लाइक यू नो मैन्युफैक्चरिंग पीरियड एंड बेस्ट बिफोर एंड ऑल आप देख लेना कि आपको 1.5 ईयर to 2 ईयर्स तक मिले। ये मैंने काफ़ी लेट देखा तो इसीलिए आई could not exchange this। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 18 months, ओपन करने के 18 months के बाद बाद तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ फॉर्मुलेटेड इन इटली। तो ये सब इस पैकेजिंग पे लिखा है, ये इस तरीके के पैकेजिंग में आता है एंड अंदर इसके लाइक फोम का भी पैकेजिंग दिया है ताकि इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ये डैमेज ना हो। सो द एक्चुअल प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस एंड इट्स अ रियली प्रिटी पैकेजिंग। मैं एक्चुअली दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि यू विल बी एबल टू सी द कैमरा। तो इसमें लाइक यू नो इस तरीके का गोल्ड पैकेजिंग है इसका एंड इस पर लिखा हुआ है माई ग्लैम चिजल इट 3-in-1 ब्लश हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर। तो ये इस तरीके का आता है एंड पीछे इसके इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन इस पर दिया है वही इन्फॉर्मेशन इस पर भी दिया हुआ है एंड नाउ आई शो यू द शेड्स। ये ऐसे शेड्स में आता है एंड इट हैज़ अ रियली प्रिटी मिरर एज वेल। एंड बाय द वे इसका पैकेजिंग बिल्कुल भी फ्लिमजी नहीं है, इसका जो मिरर एंड एवरीथिंग द आउटर पैकेजिंग एवरीथिंग इज सुपर हाई क्वालिटी। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड जैसे कि मैंने बोला ऐसे मैंने पैकेजिंग के वजह से भी खरीदा बिकॉज माई ग्लैम की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आई टेंड टू डाइवर्ट टूवर्ड्स द पैकेजिंग एज वेल, जो मतलब पैकेजिंग मुझे अगर अच्छा लगे तो मैं खरीद लेती हूँ। तो इसीलिए दैट वॉज वन रीज़न कि मुझे ये खरीदना था एंड द ब्लश का शेड ऑल्सो मुझे अच्छा लगा। तो इस तरीके का आता है, अब मैं आपको इसे स्वॉच करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट इसे मैंने एक्चुअली यूज़ किया, तो हाइलाइटर जो इसका है वो बिल्डेबल है काफ़ी ज़्यादा। इफ़ यू वॉन्ट रियली सटल हाईलाइट, या आपको सटल हाईलाइट भी दे सकता है, अगर आपको इसे बिल्ड करना है तो आप बिल्ड भी कर सकते हो। उसके बाद ब्लश है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, ये वाला जो ब्लश है ये सारी स्किन टोन पे सूट करेगा बिकॉज इट्स अ वेरी पीची टोन ब्लश। तो जो पीच टोन के ब्लशेज होते हैं, जो कोरल ब्लशेज होते हैं, ये ऑलमोस्ट सारी स्किन टोन पे अच्छी तरीके से सूट हो जाता है। मेड बी पेल, फेयर, डार्क, डस्की, जो कुछ भी स्किन टोन है इन पे सूट हो जाता है। तो आई रियली लाइक द ब्लश। एंड कॉन्टोरिंग की अगर बात करें तो कॉन्टोर का जो शेड है वो डस्की स्किन टोन तक दिख जाएगा, बट डस्की स्किन टोन के बाद जो डार्क स्किन टोन है उन पे शायद ये जो ब्रॉन्जर है ये नहीं दिखेगा। सो इस तरीके का ब्रॉन्जर है, आई शो इट टू यू, इस तरीके का है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो आप। सो वीटिश टू डस्की स्किन टोन पे ये दिख जाएगा अगर आप बिल्ड करोगे, बट देन डार्क स्किन टोन पे ये नहीं दिखेगा। तो मेरे स्किन टोन पे ये थोड़ा सा मडी लगता है, इफ़ आई लेकिन इफ अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया तो मेरे स्किन पे ये थोड़ा सा मडी लगता है। एंड मेरा जो फाउंडेशन का शेड रेफरेंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो लेकिन यू कैन मैच कि मेरा शेड क्या है। तो मेरे शेड पे ये थोड़ा सा मडी लग सकता है अगर मैं ज़्यादा लगाऊँ, अगर मैं नॉर्मली हल्के हाथों से लगाओ तो ये अच्छा दिख जाता है। तो अब मैंने लाइक ना मेरा फुल फेस मेकअप किया है बट देन मैंने ये थ्री चीज़ें नहीं लगाई है, तो मैं आपको अभी लगा के दिखा। फर्स्ट मैं ब्लश लगा के दिखाऊंगी। द ब्लश इज
प्रिटी प्रिटी पिगमेंटेड। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश लगाऊंगी ताकि आप इसका कलर देख सको। सो दिस इज द कलर ऑफ द ब्लश, इट्स वेरी 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 प्रिटी। सेम ब्रश से कॉन्टोर करूंगी बिकॉज आई कांट सीम टू फाइंड अनदर ब्रश। ओके, तो आई हैव पिक्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन नो अगर थोड़ा सा भी ब्रश से ले तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पिकअप कर लेता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल विथ इट। नेक्स्ट इज हाईलाइटर। बाय द वे ये जो हाईलाइटर है ये समवेयर इन बिटवीन लाइक गोल्डन एंड सिल्वर कलर के इन बिटवीन है। इट्स लाइक अ पर्ल कलर, तो इट्स नॉट टोटली सिल्वर एंड इट्स नॉट टोटली गोल्डन, तो पर्ल काइंड ऑफ कलर है ये। एंड दिस इज हाउ द पिगमेंटेशन ऑफ द कलर इज। इट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी प्रिटी हाईलाइट एंड ये हाइलाइटर भी काफी ज्यादा पिगमेंटेड है। सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ बजट ये पैलेट काफी ज्यादा अच्छा है, लुक्स वाइज भी अच्छा है एंड द कलर्स आर ऑल्सो रियली ब्यूटिफुल। सो अगर आपको खरीदना है तो इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, यू कैन चेक आउट द प्राइस एंड शेड एंड एवरीथिंग एल्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। इफ यस, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।